अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलते हैं हम नेपाल को हरा सकते हैं तो यही हमारा एकमात्र ध्यान है। हार मलेशिया से तो जीत लिया, कतर से भी जीत लिया, लेकिन कल हांगकांग को हरा कर दिखाओ। दोस्तों, कल नेपाल के लिए एक तरीके से अहम मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अगर नेपाल कल ये मैच अपने नाम कर लेता है तो एशिया कप में अपनी दावेदारी 100% पेश कर सकता है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं कि कल का मैच अहम है, आपको तो पता होगा कि कुछ महीने पहले यानी 9 मार्च को हांगकांग ने अपने ही सरजमी पर नेपाल को बहुत ही बुरी तरीके से हार का स्वाद चखाया था, जिसमें हांगकांग ने नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई की थी और 200 पार स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेकंड इनिंग्स में नेपाल की बारी आई तो नेपाली टीम को ओनल आउट भी कर दिया। इस हार का बदला कल नेपाल जरूर लेना चाहेगा और बदला लेने के लिए कल से अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि आज हांगकांग को सऊदी अरब से एक तगड़ी हार मिली है, जिसके बाद से ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। और कल हांगकांग के लिए डू ऑनर डाई मुकाबला है, अगर इस टूर्नामेंट में हांगकांग को जीवित रहना है तो कल का मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। वहीं अगर नेपाल को अपने क्वालिफाई पक्की करनी है तो कल का मैच उन्हें भी जीतना पड़ेगा। और ग्रुप ए में अगर कोई भी टीम नेपाल को टक्कर दे सकती है तो वह हांगकांग, और यह बहुत बार उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन बाय चांस कल नेपाल इस मुकाबले को हार जाता है तो फिर भी एक चांस और है नेपाल के पास। लेकिन रिस्क न लेकर नेपाल कल ही यह मैच जीतकर हांगकांग को बाहर का रास्ता दिखाने को देखेगी। ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल और हांगकांग के बीच कुल 13 T20 मुकाबले खेले गए हैं और उसमें से नेपाल ने 6 मैच और हांगकांग ने 3 मैच में जीत हासिल की है और 4 मैचों में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। इस लिहाज से नेपाल का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन नेपाल के लिए दिक्कत तब आती है जबकि हांगकांग सेकंड में बैटिंग करती है, यानी हांगकांग सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 5 मैच में नेपाल को 2 बार हराया है, तो कल टॉस जीतना बहुत मायने रह सकता है। कल के मैच में कुशल मल्ला दहाड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मल्ला को हांगकांग टीम बहुत पसंद है। हालांकि दीपेंद्र को भी हांगकांग टीम बहुत पसंद है, लेकिन कुशल मल्ला का रोल कल अहम रहने वाला है। वहीं गेंदबाजी में करण केसी और सोमपाल कामी हांगकांग का काम तमाम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कल नेपाल इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।